हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनिता व्लॉग। सो आज जो है सुबह की शुरुआत हो रही थी पूरियों से, क्योंकि आज मैं बना रही थी पूरी। और अभी सब सोच रहे होंगे हमारे घर में क्या ओकेशन है। तो हाँ जी भाई, हमारे घर में आज बहुत स्पेशल डे है। और क्या कहते हैं, आज है इनका बर्थडे, आज इनका जन्मदिन है। सो इसी उस पर जो है मैं जो है घर पे पूरियां बना रही थी, क्योंकि अगर कुछ भी होता है ना तो कहते हैं कि अगर कोई त्यौहार है या कोई भी शुभ दिन है तो पूरियां वगैरह घर पे बनानी चाहिए। और इधर जो है शुभ अपने स्कूल के लिए रेडी हो रहा था। शुभ ना, मतलब एक चीज़ शुभ में बहुत अच्छी है कि ये ना अपने कपड़े वगैरह सब कुछ खुद ही पहनता है, अपने सारे काम अपने आप से करता है। और यहाँ मैंने लगा रखा था सुंदरकांड सुबह सुबह, क्योंकि ये दोनों की आदत है। और संकेत तो जब तक ना कोई भजन ना लगाओ तब तक वो सुबह उठता ही नहीं है, वो बोलेगा पहले भजन लगाओ। और यहाँ पे देखिए मेरे किचन में जो है, यहाँ पे पानी गर्म हो रहा था बच्चों के लिए, और दूसरी तरफ ना यहाँ पे खीर बन रही है। आज मैंने इनको जो है खीर और पूरी दी थी स्कूल के लिए, क्योंकि जो है कहते हैं मतलब वही कि कुछ मीठा बनाना चाहिए और पूरी वगैरह बनाना चाहिए। जिस दिन कुछ होता है घर पे ना, हमारे यहाँ तोवा नहीं रखते उस दिन सुबह सुबह, तो पहले मैंने जो है कढ़ाई रखी थी। उसके बाद जो है मैं चली गई थी यहाँ पे संकेत जी को देखने के लिए। और संकेत जो है ना, ये बहुत परेशान करता है, बहुत ज़्यादा नॉटी है, और काफ़ी स्कूल के लिए ना लेट हो रहा था। वैसे जब ये लोग जल्दी उठ जाए, मतलब जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं, तो मैं संकेत को भी बोलती हूँ कि खुद ही अपने आप से अपने कपड़े पहनो, लेकिन जिस दिन लेट हो रहे होते हैं तो उस दिन दादा पहना देते हैं। यहाँ जो है इनका जो है लंच रेडी हो गया था दोनों का। तो आज पूरी, खीर और फ्रूट में मैंने इनको ग्रेप्स दिए थे दोनों को, क्योंकि इनको ग्रीन वाले ग्रेप्स ना बहुत अच्छे लगते हैं दोनों को। सो गाइस, शुभ संकेत चले गए हैं स्कूल, और मतलब उनको तो आने का भी टाइम होने वाला है उनका थोड़ी देर में। और मेरे भी जो है घर के काम ऑलमोस्ट जो है सारे फिनिश हो गए हैं। और आज का वेदर ना बहुत अच्छा हो रहा है, और इतने टाइम बाद जो है आज धूप निकली। 2-3 दिन से ना मैंने भी कोई व्लॉग वगैरह शूट नहीं करा था, क्योंकि ना बिल्कुल भी मन नहीं करा था, क्योंकि क्या था धूप वूप नहीं थी कभी, मतलब पूरा घर भी फैला हुआ था, हर जगह कपड़े 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 हो रखे थे। बट अभी कल से ना थोड़ा सा ना मौसम अच्छा हो रखा है, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कितनी अच्छी धूप आई हुई है बाहर। ज़्यादा तो बाहर मैं जाऊँगी नहीं, थोड़ा सा मैं आपको बार से दिखाऊंगी जो है, मतलब हल्की सी, मतलब मैं अंदर ही रहूंगी तो अंदर अंदर से ही आपको धूप दिखा दूंगी कि कैसे कितनी आज कितनी अच्छी धूप निकली हुई है, बस नजर ना लगे धूप को क्योंकि जिस दिन धूप अच्छी निकलती है तो सब बोलते हैं अरे आज तो बड़ी अच्छी धूप निकली, अगले दिन धूप आती नहीं है, ऐसा ही होता है। लेकिन वैसे अब तो मौसम खुलेगा और धूप भी अच्छी आएगी, देखो अब आगे क्या होता है, कैसा रहता है मौसम। और आज ना इनका बर्थडे है, और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ये अपने बर्थडे वाले दिन वहाँ पर है और हम यहाँ पर हैं, वरना जब से मतलब हमारी शादी हुई, शादी क्या, शादी से पहले की भी मैं बात बता रही हूँ, अभी तक हमने ऐसा कोई बर्थडे वगैरह नहीं मनाया जो हमने अलग अलग मनाया हो, हम हमेशा जो है साथ में ही रहे जब से हम साथ में आए हैं दोनों। सो लेकिन जो है चलिए जो भी होता है कि अभी शायद ऐसा ही होना होगा, तो जिस टाइम पे जो चीज़ होनी होती है उस टाइम पर वो चीज़ होके रहती है, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो वही चीज़ मैं सोच के चल रही थी, मैंने कहा चलो ठीक है, इसमें भी जो है भगवान की कोई वो होगी, इच्छा होगी, इसलिए वो वहाँ हैं हम यहाँ पर हैं। तो अभी ना मैं आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ, और देखिए कितना अच्छा है। इतने दिनों बाद ना धूप देखने के लिए मिली, और आज तो अच्छे से कपड़े सूख ही जाएंगे। सो अब मैं जा रही हूँ शुभ संकेत के लिए खाना बनाने के लिए, क्योंकि अब उनके स्कूल से आने का टाइम हो रहा है दोनों के। और क्या कहते हैं, सो आज का वेदर मैंने आपको दिखाया कि कितना अच्छा हो रखा है, और मैंने आज अपने जो है मेरे जितने कपड़े जो सूखे नहीं थे मैंने सारे कपड़े जो है आज अपने बाहर डाल दिए हैं। अभी कुछ कपड़े मशीन में भी हैं, तो जैसे ये कपड़े वापस अंदर आएंगे उसके बाद फिर मैं उन कपड़ों को बाहर डाल दूंगी। मुझे लगता है कि अभी 2-3 दिन मौसम अच्छा रहना चाहिए, देखो अब आगे क्या होता है। वैसे तो मौसम के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, कभी भी चेंज हो जाता है। और क्या कहते हैं आज करनी है, देखते हैं अब आज का दिन कैसा रहता है पूरा। आज अगर ये घर पर यहाँ पर होते तो आज हमारे घर में कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेशन होता, लेकिन ये अभी वहाँ है देहरादून में है, तो मैं इनसे बोलूँगी कि अगर तुमने कुछ किया बर्थडे में तो अपनी जो है वीडियो बना के देना, या तो अपना व्लॉग वगैरह छोटा मोटा जो भी हो चैनल में डालना करके, अगर वो फ्री हुए तो वो डालेंगे, नहीं हुए तो फिर तो पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ ना पता ये नहीं शुभ देखो संकेत ने क्या बना रखा है मैंने ये। वॉच, इसने बूमरैंग, मैंने वॉच, ये देखो बूमरैंग, देखो कैसे फटते हैं, ये देख लो। अरे कहाँ भाग गया, चोरी कर ले, ये रहा और ये शुभ पता नहीं क्या बना रहा है, वॉच। सारी टेप वगैरह सब कुछ जो है, और पेपर इतना मतलब सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। और ये देखिए पता नहीं क्या, कभी वॉच बना रहा है कभी कुछ कर रहा है। टाइम देखिए यहाँ पे टाइम भी बड़े अलग तरीके से चल रहा है इनका तो सो ये ना बस पूरे दिन ऐसे ही लगे रहते हैं, पूरे घर में गंदगी करते रहते हैं, कूड़ा कचरा फैलाता रहेगा, कभी ये कटिंग हो रही है कभी वो कटिंग हो रही है। क्योंकि अगर ये लगाऊंगा तो ये और अच्छा हो जाएगा ना, इसलिए तो अच्छा
मैंने वॉच बनाई है खुद के लिए, असली वॉच तो मिलेगी नहीं तो नकली वॉच से ही काम चला। अभी बेटा अभी बड़े हो जाओ ना थोड़ा, अभी से स्मार्ट वॉच थोड़ी मिल जाएगी तुम लोगों को। अभी तो छोटे बच्चे हैं, पीटीएम में भी अब मैं यही वॉच पहन के जाऊंगा, यही वॉच। और ये वाली वॉच जो है शुभ ने बनाई हुई है संकेत के लिए, दिखाना जरा संकेत। आई लव ब्रदर, पहले गलती से फादर लिख देता अब ब्रदर लिख। वैसे भी मेरे को मदर पसंद है मम्मी। अच्छा और देखो मेरे पास दो चीजें, शुभ के पास एक चीज है। और आज पापा को बर्थडे विश कर दिया? हाँ, नहीं करा भाई। हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे मम्मी भी। मम्मी का बर्थडे आज थोड़ी है, ये तो मम्मी के पीछे लगा रहता है। सो गाइस बस अभी इस व्लॉग को करते हैं हम लोग यहीं पे एंड, और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।